राहुल भैया कैसे हैं आप? आज बड़े दिनों बाद आप दर्शन हुए हैं दोबारा आपके, क्योंकि आप लास्ट टाइम शॉप पे आए थे, उसके बाद फिर आप मिल रहे हैं। आपने ये चीज बनाई है जी। बवाल बनाया है, बवाल दिखने में बवाल लग रहा है, और मैंने इसका हल्का सा डेमो लिया था, उसमें तो मेरे को मतलब कहते हैं संतुष्टि, वो चीज मिल गई। अब मुझे ये बताओ भैया, ये चीज का जो आइडिया आया है ये कहाँ से आया कि कार इंडस्ट्री से सीधा आप होम इंडस्ट्री पे आ गए? बेसिकली कार इंडस्ट्री हो चाहे होम इंडस्ट्री हो, दोनों ऑडियो लाइन से ही रिलेटेड है। चाहे होम थिएटर ले लो, चाहे गाड़ी के अंदर ले लो, सबको ही साउंड क्वालिटी चाहिए या फिर SPL में कुछ चाहिए। बस ये है कि हाँ, मैं फर्स्ट टाइम, पहले भी मैं ये चीजें बना चुका हूँ, बूम बॉक्स बनाया मैंने, छोटे छोटे पाइप एंड मन भी बनाया, लेकिन ये पहली बार है जो मैं इतना बड़ा सेटअप ले रहा हूँ, क्योंकि 2500 वोल्ट RMS का सबवूफर, वो भी घर पे चलाना थोड़ा एक चैलेंजिंग था। इसका इंक्लोजर डिजाइन हो गया या फिर इसको किस चीज पे मैं रन करने वाला हूँ, ये सारे चैलेंजिंग था। साथ में जो स्पीकर्स हैं, क्योंकि बेस इतना है और उसको काटने वाला वोकल भी चाहिए साथ के साथ, तो वो भी एक चैलेंजिंग था। प्लस कस्टमर का जो डिमांड था कि भैया मुझे दोनों चीज ही चाहिए, दोनों चीज का मतलब कि मैं सबवूफर को कम कर दूं तो मेरे को साउंड क्वालिटी मिल जाए वोकल में, और जब मेरे को पड़ोसियों को हिलाना है या कोई ओकेशन है, ईद है, होली है, दिवाली है, या भाई गुरु जी का बर्थडे वगैरह जो आता है, तो कुछ भी हो तो मुझे उस पर बजाना है, तो मेरा जो भी आए, दोस्त आए या कोई भी आए, उसको कहीं कमी नहीं रहना चाहिए। पर उसी को देख के खिचड़ी विचड़ी बना के मैंने ये चीज रेडी करी है। तो मैं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें लगाई हैं। तो बेसिकली वो भाई कह रहा था कि मेरे को जो गाड़ी का ऑडियो सेटअप है वो सारा घर पे लगा दो। फिर मैंने उसको एक राय दिया, या थोड़ा बजट बढ़ा तो हम इसके साथ में AVR जोड़ देते हैं। AVR जोड़ने का मतलब ये होता है कि अगर आपको जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियोज वगैरह, उसके अंदर और डिजिटल ऑटो एटमोस वगैरह ये सारी चीज आती है, अगर इन फ्यूचर तू बड़े पर्दे पे कुछ लगाता है या क्या कहते हैं उसे, प्रोजेक्टर लगाता है, तो वो काम आ जाए। तो क्या उसने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने डेनन का AVR लिया है जो कि है 550 BT। तो दोस्तों ये है AVR, जैसे हम अपनी गाड़ी में हेड यूनिट लगाते हैं वैसे हम घर में ये यूज करते हैं। इसका लगाने का मकसद भी हमारा था कि भाई को साउंड क्वालिटी भी चाहिए था, कि भैया मेरे को ना मूवीज वगैरह भी देखना है। पहले तो उसने बोला था कि यार गाड़ी वाले एम्पलीफायर भी चला दो सारा ये चीजें, मैंने ठीक है मैंने उसी हिसाब से तैयार किया। फिर थोड़े टाइम बाद होता है ना कि यार जब पैसा लगाई रहते हैं कुछ बढ़िया चीजें, तो हमने डिस्कस किया कि भैया मेरे को नेटफ्लिक्स वगैरह और अमेजोन प्राइम वगैरह भी देखना है, उसका एटमोस वगैरह भी सुनना है कैसा है। तो उसके लिए भी मैंने AVR चूज किया, डेनन का 550 BT है, जो अराउंड 40,000 का मिल जाता है आपको अमेजोन वगैरह पे, नेटफ्लिक्स एवं फ्लिपकार्ट वगैरह पे। ये है 130 वोल्ट RMS का। तो इसी के कंपेटिबल के मैंने स्पीकर भी चूज करे हैं दोस्तों। तो मोरेल के स्पीकर है, ये मेरे दो कंपोनेंट है और कोएक्सल्स है। तो ये 5.1 है दोस्तों, 5.1 का होता है 5 स्पीकर का जोड़ा प्लस 1 सबवूफर का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये मेरे कोएक्सल स्पीकर्स हैं जो मेरे रेयर सराउंड के लिए काम आएगा। ये मेरा सेंटर है जो सेंटर सराउंड के लिए काम आएगा, प्लस मेरे 2 टावर हो गए जो आगे फ्रंट फेसिंग रहेंगे, जब आप बैठोगे सोफे पे एक पंच देंगे, सारी चीज देंगे। और साथ में मैंने थोड़ा लाउडनेस के लिए बुलेट ट्यूटर का यूज किया रेडार ऑडियो का, क्योंकि एक क्रिस्पी साउंड उसको चाहिए था, पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह ज्यादा सुनता है, तो एक बुलेट हाइज हमारी अच्छी होगी और साथ में AV रिसीवर का तड़का लग जाए तो भाई सोने पे सुहागा रह जाता है, और एक जो क्रिस्टल आवाज आती है हाइस की वो अल्टीमेट रहती है। आप बात कर रहे हैं कि हम सबवूफर को किस पे रन कर रहे हैं, हमने एम्पलीफायर पे तो AVR पे तो स्पीकर रन कर दिए, अब सबवूफर के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ? फिलहाल अब भी होम यूज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है मेरा ऑलवेज फेवरेट SNB का 1500 वोल्ट RMS का 1 ओम पे एम्पलीफायर यूज कर रहा हूँ मैं इसको रन करने के लिए। फिलहाल आप कहोगे यार 2500 वोल्ट RMS का सबवूफर और ये 1500 1 ओम पे कैसे कंपेटिबल है? दोस्तों अगर आप इसको 1000 वोल्ट भी RMS दोगे ना घर में, बहुत बढ़िया बजेगा। फिलहाल अभी टेम्परेरी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भाई आ गया था कि भैया वीडियो बनानी है, डेमो दो कैसे भी करो, तो मैंने इसको चला के दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप
छोटे एम्पलीफायर पे भी हैवी सबवूफर चलाते हो तो किस हिसाब से चलाना है, तो ये मैंने लिया है। इसको रन करने के लिए मैं क्या चीज यूज कर रहा हूं, एसी डीसी कन्वर्टर जो है रेडार ऑडियो का दोस्तों। यस यस दोस्तों, तो ये है रेडार ऑडियो की एसी डीसी कन्वर्टर। तो मेरे ग्रुप में भी लोग हैं जो कहते हैं ना थोड़ा ज्ञान बहुत गंदा होता है, तो ऑलवेज पहले चीजों को परखो, चीजों को देखो, उसके बाद में ज्ञान झाड़ो को ज्यादा बेटर रहता है। पहले खुद पक्के हो जाओ कि चीज है। तो मैंने ये हैवी ड्यूटी बनवाई है, एसी डीसी कन्वर्टर 50 एम्पीयर की है, तो ये कंपेटिबल है आपके एसएमवी को और इसको चलाने के लिए, और मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको। तो ये प्रैक्टिकल करता रहता हूँ दोस्तों, मैं बोलता कम हूँ, वीडियोस में ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं कम बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ज्ञान चस्सू वाले बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। जिसने सीखना होता है, जिसने कुछ बात करनी होती है ना, डायरेक्ट कॉल या मेरे को मैसेज कर देता है, तो इसलिए मैं ग्रुप में इतना ध्यान नहीं देता, तो बुरा मत मानना जो ग्रुप में है। तो ये है, तो ये सप्लाई है, तो ये मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप ले सकते हो, हैवी ड्यूटी में है, मार्केट में सस्ती भी है। जो एम्पेयर कहते हैं ना 50 एम्पेयर की हूँ, 80 एम्पेयर की हूँ, लेकिन जब रियल में एम्पेयर नापे जाते हैं ना, बोल जाती है और फंस जाती है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं आती, मैं भी नहीं देता। तो ये है, तो ये अराउंड 2200 के अराउंड आपको 50 एम्पेयर की मिलेगी, तो रेट मैंने खोल दी है, तो ये इसके साथ चलेगी। बाकी ये पूरा होल सिस्टम मैंने आपको बता दिया कैसे चलने वाला है, क्या रन करने वाला है। दोस्तों तो चलते हैं, फिर चलाते हैं। बाकी भाई का क्वेश्चन था कि एसएनबी को हम ज्यादा आउटपुट देंगे क्योंकि पावर खींचेंगे 2000 वोल्ट RMS, तो ड्रिप मारेगा, बिल्कुल मारेगा दोस्तों। फिलहाल अभी डेमो के लिए दे रहा हूँ, इसके अंदर 2000 वोल्ट RMS का ही एम्पलीफायर लगने वाला है, तो फिलहाल अभी मैं 1500 पे ही आपको डेमो के लिए दे रहा हूँ कि कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये जल्दी जाने वाला है, बहुत हम लेट हो चुके हैं, तो इसको मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आगे देना है। तो आपको सारी चीज पता लग गई है, AVR प्लस पावर स्पीकर्स है, प्लस हमारा सेंटर के लिए ये हो गया, रेयर के लिए हो गया, और हमारा सबवूफर हो गया। तो आप धूम मचाते हैं, और थोड़ा पड़ोसी मेरे कांपने वाले हैं, तो फिलहाल अभी सबवूफर ब्रेकिंग पे है दोस्तों, तो अभी मैंने बोल दिया इतनी नहीं खोली है, एम्प के लिए भी और सबवूफर के लिए भी, क्योंकि जब तक चीज जमा नहीं होती सबवूफर के मामले में, फिलहाल स्पीकर में भी यही चीज होती है कि पहले थोड़े दिन चलाओ, जब जाके थोड़ा परफॉर्म अच्छा करते हैं, स्पीकर हो चाहे सबवूफर हो। तो फिर चले, तो कुछ डॉल्बी विजन जो है इसका वो सुन लेते हैं, फिलहाल पता नहीं फोन पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ट्राई करते हैं। लेकिन हमने जो फील किया कैसा था, मस्त था, तो हम इकट्ठा है तो इस हिसाब से बज रहा है, लेकिन जो क्लैरिटी जो आ रही, इसको अगर आप डेमो के तौर पे अगर मान लो यहां पे रख दो, हां इसको अगर आप उठा के यहां पे ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ, हां तो अपने हिसाब से अपना वॉल्यूम दीजिएगा, इसकी जो आवाज होगी उसकी आवाज होगी बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं, हम चलाते हैं, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं दोस्तों। कुछ और भी देखते हैं दोस्तों, प्ले करते हैं कुछ समथिंग, बेस, वोकल और बेस दोनों सुनाऊंगा मैं।
एक नंबर भैया साउंड। बस थोड़ा दिक्कत मेरे को ये आ रही थी कि जैसे मान के चलो जैसे ये बार बार ट्रिप मारा था बूफर ऑन करते, तो इसके साथ अपने 2000 आरएमएस लगा दे तो इसको भी पावर देने के लिए फिर हम ये भी चेंज करेंगे। हाँ फिर वो हमारा वो भी चेंज होएगा क्योंकि फिर उसी हिसाब से मैं 80 वोल्ट एक्टिव वोल्ट आरएमएस मुंह पे रखा हुआ है, 80 एम्पीयर की या 100 एम्पीयर की सप्लाई बनानी पड़ेगी उसके बाद में, क्योंकि हर चीज की क्या, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप अगर बंदा ले रहा है जाहिर सी बात है ये सोच के लेगा कि भाई मैं अंधाधुंध चलाऊं उसको। बिल्कुल है, तो उस चीज के लिए अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आपने डेमो मांगा तो मेरे को देना पड़ा कि मैं कैसे निराश नहीं, अगर आप सीधा भेजते तो वो भी चला के देखता। मैंने कह रखा था कि बैटरी 120 एम्पीयर की ऑलरेडी बैटरी कस्टमर के पास है, तो ये जो हमारा सबवूफर और जो एम चलेगा वो उस पे चलेगा बैटरी, ये तो आपके लिए मैंने दे दिया और सप्लाई की भी इंटरेस्टिंग होगी कि 1500 वोल्ट आरएमएस तक का हम सप्लाई चला सकते हैं, तो ये टेस्टेड है तो प्रैक्टिकल भी हो गया सारी चीज, और प्लस इस वॉल्यूम पे अगर तब भी सुना जाए क्योंकि वो तो एक्सट्रीम जा रहा है, अगर इस वॉल्यूम पे भी जो हम सुन रहे थे तो मैं आधे घंटा दो घंटा आराम से इस सप्लाई का आराम से आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं टेस्ट करके ही बता रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछिए जब भी मेरे मन में कुछ आया कुछ नया है क्वेश्चन का मेरा, अब मेरे को तो ऐसे ये बनवाना है 2500 नहीं बनवाना, नॉर्मल 1000 बनवाऊंगा। ठीक है, 1000 आरएमएस में मेरे को एम्पलीफायर कौन सा लेना पड़ेगा और वोल्टेज क्या लेनी पड़ेगी? 1000 आरएमएस एसएनडी अपना बेस्ट है, यही बेस्ट है, से बढ़िया है, अगर इन फ्यूचर आप सोचोगे मैं बेफिक्र होकर चलाऊंगा। बेफिक्र होकर चला, ठीक है, नहीं है तो टेस्टेड है, 1000 चला या कुछ भी चला 2500 चला रहा हूं नहीं फिलहाल, तो यही है। बाकी एक चीज रह गई है कि भाई पूछ रहा था बीच में कि ये कितने ओम्स पे मैंने कैलकुलेट, हाँ मैं इसकी वायरिंग कैसे करी है आपने? तो वायरिंग मैंने, ये मैंने 4 ओम्स के हैं, 4 ओम, तो इसको मैंने सीरीज वायरिंग कर दिया है, तो हमारा 6 ओम पे हमारा 130 वोल्ट देता है, तो मैंने इसके सीरीज वायरिंग करके इसको ओम्स बढ़ा दिए, इसके कंपेटिबल कर दिए थोड़े, तो 2 ओम्स पे कोई इतना फर्क नहीं आता, तो ये है कि इसको फुल वॉल्यूम पे भी लेके जाऊंगा मैं इसको तो ये फटेंगे नहीं, यही मैं इसके ओम्स घटा देता हूँ तो दोनों पे ही असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये खींचेगा उसको अननेसेसरी पावर देगा, तो यही चीज सारा खेल होता है ओम्स समझने का कि कैसे आपको ओम्स को समझना है। तो ये मेरे सारा सेटअप 8 ओम्स पे चल रहा है, सबको पैनल वायरिंग करके मैं सारी चीजों को चला रहा हूँ 8 ओम्स पे, और पीछे से इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने सब कुछ बताया इसके बारे में कि कैसे कैसे परफॉर्म करता है, कितने आउटपुट वगैरह सारी चीजें हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो मैंने बता दिया है, 35,000 रुपए का सबवूफर है, अराउंड 10,000 रुपीज की इंक्लोजर बनेगा जो इसका प्रॉपर इसी का डिजाइन होगा, 40,000 रुपीज का हमारा एवी रिसीवर, ये सारे जो प्राइस बता रहा हूँ ऑनलाइन अवेलेबल है दोस्तों, कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा कि मैं बढ़ चढ़ के बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। 6 से 6,500 रुपए के हमारे कॉम्पोनेंट स्पीकर आ गए हैं, हमारे मोरेल के हैं MK2 और हमारे कोएक्सल्स हैं 5,500 के अराउंड आएंगे, तो अराउंड मार्केट में अलग अलग हिसाब से है, तो ये वो रेट बताए हैं जो लगा है एक्चुअल में। एसएनडी का मोनो एम्पलीफायर ले लोगे तो 8,000 अराउंड आएगा आपका, तो ये है हमारा सप्लाई हो गई 2200 रुपए की सप्लाई है 50 वोल्ट आरएमएस की, और वही है एम्पीयर की 40 की हमारी 2000 रुपए की है, जितना बढ़ाते रहोगे 200-300 रुपए ऐसे बढ़ता रहेगा, तो टोटल पैकेज है हमारा अराउंड 1,20,000 के अराउंड है, जिसके अंदर मेरा मेहनताना वगैरह बॉक्स वगैरह सारी चीज हो गई है, बराबर दूर चला था, तो ये सारी चीजें हैं, तो अराउंड 1,20,000 के अराउंड ये सेटअप पड़ा है, ये उसको पड़ा है क्योंकि उसको चाहिए था, अदरवाइज आपको छोटे बजट में भी चाहिए तो छोटे बजट में भी आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, तो अराउंड 20,000 से अराउंड स्टार्ट हो जाता है जो मेरा बजट लेके मैं चलता हूँ, तो एक अच्छा जिसके 500 डाले में सबवूफर को एक्सेल्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, हाँ एरिया रिसीवर जोड़ते रहोगे तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट और ज्यादा पैसे डालते रहोगे, तो ये सारी चीज थी। तो और कोई क्वेश्चन यार कुछ रह गया कि नए सब्सक्राइबर रह गए तो पूछ सकता है भाई, वो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ही लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मेन मेरे को ना फोन कॉल करो या व्हाट्सएप करो तो ज्यादा बेटर है, कॉल करो तो ज्यादा बेटर है यार, पूरे दिन में मेरे कम से कम 100 से ऊपर लोग जुड़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी हो गया कम से कम 1200 बंदे जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में 38,000 है मेरे और मेरे सब्सक्राइबर भी 66,000 के अराउंड है, तो टोटल पूरे दिन कैसा मेरा वो रहता है तो आप देख सकते हो, तो फोन को साइलेंट पर रखिए करना पड़ता है, तो मैं कभी जवाब ना दे पाऊँ तो आप सीधा कॉल करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइमिंग है सुबह 10 बजे से
रात के साथ आज लास्ट सेम बात, तो फिर मैं शायद ही फोन उठाऊंगा या कुछ। तो बस, तो ये था सारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव और डोंट ड्रिंक ड्राइव, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक जो आप कर सकते हो। बाय बाय।